मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पूरा मामला रीवा जिले के अटरिया गांव का है, जहां हनुमरा थाना प्रभारी के नेतृत्व में 140 किलो गांजा सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि मुखबिर से मिली सूचना पर आरोपी रजनीश पटेल और रमबकस पटेल अवैध गांजे की बड़ी खेप लेकर जा रहे थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान 140 किलो गांजा बरामद किया गया है। कल मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ग्राम अटरिया के कल्लू उर्फ रजनीश पटेल जो है वो गांजे की खेप लेकर के और सीधी तरफ जाने वाला है। ये जो कल्लू पटेल है ये काफ़ी समय से हनुमना क्षेत्र में गांजे की तस्करी कर रहा है।